बीच गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ अनबन नजर आ रही, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था कि अगर राज्य स्तर पर गठबंधन नहीं होता है तो फिर केंद्र स्तर पर होना मुश्किल है। देखिए एनडीए में हम लोग शामिल होकर के सट के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हट करके बनाना चाहते हैं, दूर रह करके वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भी चाह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इस नाते वो काम कर रहे हैं। नहीं तो उदाहरण देखिए, यूपी में कांग्रेस ने समर्थन किया और समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में प्रत्याशी उतार दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जहां प्रत्याशी उतारा वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा। तो जो विपक्ष के लोग चिल्लाते हैं कि ईडी सीबीआई से बचने के लिए वो हट के सहयोग कर रहे हैं, हम लोग सट के सहयोग कर रहे हैं। तो फिर वो आपके गठबंधन मतलब आपके साथी हो गए फिर, तो आप भी एनडीए से जुड़े हुए हैं और आपका कहना है कि वो पीडीए चिल्ला रहे हैं ना, तो पीडीए तो सली इधर है भाई, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, केशव मौर्य जी, दारा चौहान जी, सब जी तो इधर है पीडीए वाले, उधर का बा, उधर कुछ बचल बा, वो हट के सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। मंत्रिमंडल को लेकर क्या है आपका, काफी चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे लेकिन अभी तक आप नहीं हुए। जल्दी हो जाएगा, धैर्य रखिए। अभी आप कुछ देर पहले बोल भी रहे थे नौरात चल रहा है और नौरात में कुछ उम्मीद भी है, हो जाएगा। चौथा दिन हो गया, पांचवा, विजयदशमी कब होती है? लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी आपकी, कब से रैली वगैरह कर रहे हैं? हम तो अनवरत तैयारी है ना, अभी आपने देखा बिहार में कार्यक्रम 10 तारीख को किए, फिर उसके बाद हम लोग बराबर हमारे लोग क्षेत्रों में काम करते हैं, अनवरत हम लोग चुनावी मूड में रहते हैं और पूरा एनडीए एकदम चुनावी मूड में है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कीजिए, वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनको वहाँ पहुँचाया गया है कि समाजवादी पार्टी को जब तक रसातल में न पहुँचा दीजिएगा तब तक इधर मत आइएगा, उनकी बेटी है ना भाजपा में, तो उन्हीं के माध्यम से उनको लगाया जाता है, बताया जाता है कि आज ये बोलो, कल ये बोलो, परसों ये बोलो, वो अपना बोलते रहते हैं, इधर से मैसेज दिया जाता रहा। आगे का कोई रोड मैप आपने तैयार किया, क्योंकि अब तो एनडीए गठबंधन में है तो रैली वगैरह होगी, किसको बुला रहे हैं और कब से चालू होगी? जल्दी ज्वाइन कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुभाजपा के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने, जिनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो रैलियां भी करेंगे, इसके अलावा सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर राजभर ने हमला भी किया। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।